अरे बाहर तो निकल। हेलो व्हाट्सअप लो मत करो, रहने लो। यार, मैं कहाँ पर इंट्रो शूट कर रहा हूँ। हाँ तो फिर हम लोग ने पिछले वाले एपिसोड में टाइम पास किया था। नहीं, टाइम पास नहीं किया था मैंने। मैंने ये विलेज ढूंढना था, देखो वो रहा। तो फिर कल मैंने एक पोल डाला था कि मुझे कैसा घर बनाना चाहिए। तो फिर तुम सबने मुझे बोला कि मुझे अपना घर एक माउंटेन पर बनाना चाहिए। तो फिर ये एक्चुअली में बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ भी है। तो फिर आज हम लोग बने हैं बॉब द बिल्डर। तो ये गाइस, अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फिर प्लीज करो ना यार, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। करोगे ना सब्सक्राइब? नहीं, क्या नहीं? ठीक है फिर। लॉल, कैसा लगा मेरा मजाक? लॉल, वैसे मैं सच में अभी मरने वाला था। क्यों लेता हूँ मैं इतना रिस्क? अभी वापस ऊपर जाना पड़ेगा। तो फिर अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मेरा सीक्रेट बेसमेंट। ओ, ये यहाँ पर क्रीपर फट गया था, इसलिए इसको इग्नोर करो। रेडी हो जाओ। टडा, बहुत मेहनत से बनाया ये मैंने, इसलिए हंसने का नहीं, तालियां बजाने का। ये देखो यहाँ से चांद भी एकदम मस्त दिखता है। तो चलो अभी सो जाते हैं। चलो सुबह हो गई और अभी स्टार्ट करते हैं घर बनाना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से खाना ले लेता हूँ। तो फिर आज मुझे एक मॉडर्न हाउस बनाना है। तो फिर मैं ये मॉडर्न हाउस है ना, प्लैंक्स का बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कॉन्क्रीट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़े से वुड कलेक्ट करेंगे। लॉल, मैं इन्हीं का विलेज तोड़ रहा हूँ, बाद में फिक्स कर दूंगा। ये देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ये। और भी हम लोग थोड़े से स्लैब्स बना लेते हैं। चलो स्लैब्स भी बहुत सारे बन गए, और अभी स्टार्ट करते हैं। ओ बाप रे, प्लीज ऐसे गिरना मत। तो फिर हम लोग अपना घर एकदम यहाँ पर बनाएंगे। यार हमारा घर कितना मस्त दिखेगा ना यहाँ से। ओके, तो इतना बड़ा मेरा घर होगा। A few moments later. ओके, तो फिर ये होगी हमारी बालकनी। एक मिनट, मैं ना अपना बेड भी लेके आता हूँ। तो फिर ये जो मैंने अभी बालकनी बनाई है, उसके लिए मुझे थोड़ी सी ना ग्लास की जरूरत होगी, और ग्लास को बनाने के लिए मुझे सैंड चाहिए। तो फिर सैंड, वो देखो वो रही, तो चलो मैं उसको लेके आता हूँ। 2 hours later. ओके, आ गया मैं। और मैंने कुछ एक स्टैक सैंड ले लिया है, और अभी इसका हम लोग ग्लास बनाएंगे। ओके, अभी वेट करना पड़ेगा। चलो जब तक ये ग्लास बनता है, no, God, please, no! तब तक हम लोग थोड़ा सा टाइम पास करके आते हैं। No! हेलो विलेजर्स, कुछ अच्छा है क्या तुम लोग के पास? ये क्या फालतू चीजें दे रहा है? फोड़ू तू ये? वो ही वेंडरिंग ट्रेडर, बहुत दिन हो गए ना इससे मिले हुए। चल देखते तू क्या दे रहा है। ये क्या है? अच्छा ब्राउन डाई है ये। इसके पास हम लोग लीड ले सकते हैं। मुझे क्या लीड चाहिए? लीड ला। अरे थूकता क्या? तुम्हारे मालिक ने तुम लोग को मैनर्स नहीं सिखाया? मैं सिखाता हूँ। थूकेगा अभी? अरे अभी भी थूक रहा है। और ये फाइनल ब्लो, यस। चलो दो लीड मिल गई, और अब इससे हम लोग घोड़े को ले सकते हैं। यस, ओ ये रे घोड़े। चलो तुम सब लोग मेरे साथ आओ। एक में हम लोग एक साथ दो को ले सकते हैं क्या? ओ ले सकते हैं। तो फिर आज से तुम दोनों मेरे दोस्त हो, और तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो। तो फिर तुम दोनों की जोड़ी का नाम होगा प्रो जोड़ी। तो फिर इसका नाम होगा क्या होगा नाम? ठीक है, नाम मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट्स में बताओ। वो शीट, रात हो रही है, अभी ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। अबे उठ, निकल यहाँ से, ये तुम लोग के सोने की जगह नहीं है। अरे मेरे परमिशन के बिना सोएगा? फिर हो गई सुबह, और अब चलते हैं ऊपर। आ जाओ दोनों दोनों। अरे एक कहाँ गया? ये रहा लीड, कहाँ गया? शीट यार, लीड ही घुमा दी। अब कैसे लाऊं मैं उसे? आई थिंक एक एक करके लेके आना पड़ेगा। फिर पहले तो तू चल, ये मरेगा तो नहीं ना ये? ओके आ जा आ जा, नाइस। तो ये तब तक के लिए तू यहाँ पर रहे, तब तक मैं ना दूसरे को लेके आता हूँ। यार पर मेरे पास लीड ही नहीं है, तो फिर मैं लेके कैसे आऊँगा? ठीक है अभी के लिए उसको वहीं पर रहने देते, हम लोग उसको बाद में लेके आ जाएंगे। तो फिर ये देखो हमारा ग्लास बन के रेडी है। तो फिर अभी मुझे इन ग्लास का ग्लास पेन बनाना है। तो फिर अभी इन ग्लास पेन को मुझे इस तरह से लगाना है। A few minutes later. Okay, तो चलो बालकनी का काम हो गया है, और ये देखो यहाँ से हम लोग सुंदर नजारा देख सकते हैं। चलो तो अभी हम लोग बाकी का काम शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने अभी अपने पूरे घर का स्ट्रक्चर बना लिया है, और अब बस मुझे ना थोड़ा सा ग्लास लगाना है। ओके, तो ये वाला साइड अच्छा दिख रहा है। ओके, तो फिर ऑलमोस्ट हो गया है। शीट यार, ग्लास कम पड़ रहा है, अभी फिर से लेके आना पड़ेगा। ओके, तो आ गए मैं थोड़े से ग्लास लेके, और अभी अधूरा काम भी पूरा कर देते। तो चलो गाइस, काम पूरा हो चुका है।
और अब मैं तुमको दिखाता हूँ मेरा आलीशान बंगला। तो फिर ये है मेरा मॉडर्न हाउस जो कि प्लैंक का बना हुआ है। देखो ये पूरा घर है ना, मैंने खुद से बनाया है, मैंने किसी का कॉपी वॉपी नहीं किया। तो फिर अब बस इसका जो छत है ना वो लगाना बाकी है, बाकी तो ये पूरी तरह से कंप्लीट है। और ये देखो यहाँ का नज़ारा, ये दुनिया यहाँ से कितनी अच्छी दिख रही है। अब तो गिर जाता, लॉल यार कैसे कैसे जाना पड़ रहा है मुझे। ओ बचाओ, चलो अभी सो जा। ओ गुड मॉर्निंग। तो फिर तुम लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि मुझे अपने घर के साइड में ना प्रो हॉर्स का स्टैचू बनाना चाहिए, जो कि एकदम अच्छा आइडिया है। तो फिर उसको भी हम लोग जरूर बनाएंगे, और हाँ वो टॉमी का स्टैचू भी बना दूंगा। तो फिर आज के लिए तो इतना काफ़ी है, बहुत मेहनत से बनाया ये मैंने। देखो गाइस ये बॉब द बिल्डर बहुत मेहनत कर रहा है, इसके लिए एक लाइक कर दो। चलो गाइस तो हम लोग अपने ना नए घोड़े को भी ये घर दिखाते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन। कहाँ गया घोड़ा, चला जा तुझे सरप्राइज दिखाना है, एकदम है ना संभाल के आना, वरना यहाँ से गिर गया ना तो हड्डी पसली नहीं मिली। बर्फ खा रहा है तू, पागल है क्या? नहीं ये पागल नहीं है, ये बहुत स्मार्ट है। ये जब बर्फ खाता है ना तो इसे शक्ति मिलती है ना प्रो हॉर्स। एक मिनट मैं प्रो हॉर्स क्यों बुला रहा हूँ इसे। ये गिर मत वहां से, बस तू इस साइड से आ। ओके ये नहीं, पागल है क्या, सीधे सीधे आना, आजा आजा, आ गया, शाबाश तू ही है मेरा असली घोड़ा। तो ये देख हमारा नया घर, जल्दी से मुझे रिएक्शन दे। अबे रिएक्शन चाहिए मुझे, लॉल छोड़ो। तो फिर अब तू है ना यहीं पर रुकना, मैं तेरे दूसरे भाई को लेके आ रहा हूँ। देख कहीं जाना मत, इस जगह पे बहुत खतरा है। एक काम करता हूँ प्लैंक लगा देता हूँ, उसका भरोसा नहीं है। फिर दूसरा घोड़ा कहाँ पर है, ये रहा, चल आ जा। अरे शिट रात हो रही है, चलो पहले हम लोग सो जाते हैं। फिर आ गया मेरे बेड पे, निकल, चलो सुबह हो गई, नाउ लेट्स गो। वो देखो हमारा घर कितना सही लग रहा है, तो चल अब चलते हैं। अरे इसको क्या हो रहा है, चलो आ गया ये, पर अब इसे भी दिखाते हैं अपना नया घर। आ जा एकदम, कहाँ गया, ओह डरा दिया इसने मुझे, आ जा संभाल के। ओके परफेक्ट, यस आ गए दोनों, मैंने दोनों भाइयों को फिर से मिला दिया, इनकी जोड़ी एकदम है ना करण अर्जुन जैसी है। तो गाइस आज हम लोग ने एक आलीशान घर बना लिया और दो दो नए घोड़े भी मिल गए, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो ये तो सिर्फ हमारी हार्डकोर सीरीज की शुरुआत है, अभी आगे और भी मजा आने वाला है। और हाँ इस बार हम लोग एंडरलाइन को जरूर मारेंगे। तो चलो गाइस मैं मिलूंगा तुम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। यार मैं क्यों चढ़ाऊ इसके ऊपर।